अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से मेरे क्लाइंट की डिमांड थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि हेना स्टेंसिल यूज़ कैसे करते हैं, सही तरीका उसे यूज़ करने का कैसा है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा स्टेंसिल ले लिया है जिसे मैं यूज़ करूँगी पैरों पर, फिर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे कट किया। स्टिकर हमारा थर्ड लेयर का है। कोई कोई स्टिकर दो लेयर के होते हैं और कोई स्टिकर तीन लेयर के होते हैं, तो ये स्टिकर फ़िलहाल मेरा तीन लेयर का है, जिसमें से एक लेयर नॉर्मल है जिसे मैंने हटा दिया है। एक लेयर होती है डिज़ाइन की और एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि आपकी डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करे रखती है। इसे मैं पैरों पर अच्छे से स्टिक कर लूँगी। फिर थर्ड लेयर को हम अच्छे से रिमूव करेंगे। ध्यान रहे जो डिज़ाइन आपकी रिमूव होने लगे उसको इस तरह से नाखून की हेल्प से फिर से स्किन पर स्टिक कर देना है, और बहुत ही केयरफुली आपको जो थर्ड लेयर है ट्रांसपेरेंट उसे रिमूव करना है ताकि आपकी डिज़ाइन कहीं से भी कट ना हो जाए। बहुत ही केयरफुली इसको रिमूव करना है आपको। वैसे स्टेंसिल को यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इस टाइम मैंने थोड़ी डिफ़िकल्ट डिज़ाइन ली है ताकि आपको मैं वीडियो में हर एक स्टेंसिल को यूज़ करने का हर एक स्टेप मैं आपको बता सकूं। अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती है तो आपको क्या करना है। नॉर्मली वीडियोस में बताते हैं कि बस ट्रांसपेरेंट पेपर रिमूव किया इजीली और बन गई। कई लोग इसी तरह करने जाते हैं लेकिन उनकी डिज़ाइन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो जब भी इस तरह की डिज़ाइन अगर आप चॉइस करो तो इन बातों का ख्याल बहुत ही केयरफुली रखना है आपको। अब हमारा जो स्टेंसिल है वो लगकर पूरा रेडी है। अब हम अप्लाई करेंगे इस पर मेहंदी दी। मेहंदी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन पर फैला दिया है, फिंगर्स पर भी लग चुकी है मेहंदी। अब मैं फिंगर्स की हेल्प से इसे पूरी डिज़ाइन पर फैला दूंगी जिससे कि जो भी डिज़ाइन के कोने कोने हैं वहां तक पूरी मेहंदी हमारी पहुंच जाए। फिंगर से इस तरह उसे आप फैला दे अच्छे तरीके से। इसी तरह मैंने दोनों पैरों पर डिज़ाइन को स्टिक करके मेहंदी अप्लाई कर दी है। अब वेट करेंगे हम मेहंदी के सूख जाने का। तो मेहंदी हमारी यहाँ पर सूख चुकी है और अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हो 2 घंटे हो गए हमारी मेहंदी को सूखे और कलर कितना प्यारा आया है। मेहंदी कोन मैंने अपना खुद का ही यूज़ किया है। अगर आप परचेज करना चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम में जाकर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो। इंस्टाग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी। माशाल्लाह देख सकते हो कितना खूबसूरत कलर आया है फिंगर्स पर भी। पूरा स्टिकर मैंने रिमूव कर लिया है और आप देख सकते हो कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आया है। हेना स्टेंसिल, हेना से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।